जो बना दोगे बन जाएंगे। जहां भेजो वही जाएंगे। बोलिए, जो बना दोगे बन जाएंगे। बोलो ना, डर क्यों रहे हो? जिस देश में रहे, बोल, जिस देश में, जिस भेष में रहे, जिस देश में रहे, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे। जहां भेजो वही जाएंगे। जहां भेजो वही जाएंगे। एक पंजाबी में कहावत है, जे नौकरी कीती ते नखरा की है, नौकरी ते नौ कम दसवा कम हांजी, नौकरी ते नखरा की। लेकिन प्यारे, ये तो वो नौकरी है, जिस जिसको ये नौकरी मिल गई ना, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावन दी। ऐसा है कि जब कोई इनसे प्रेम करता है, आपने अक्सर देखा होगा कई प्रेमियों के शब्द सुनते, अरे हमारे लिए तो आप ही किशोरी जी हो। लेकिन क्या किशोरी जी कोई और हो सकता है? हमारी किशोरी जी जैसा कोई और हो सकता है? बताओ। लेकिन पता है आपको ऐसा क्यों दिखता है? जो इनकी चाकरी करते हैं ना, जो इनकी उतरन पे रहते हैं, श्री जी अपनी उतरन जिनको प्रदान करते हैं, फिर प्रेमी का लक्षण, प्रेम का लक्षण क्या होता है कि जब वो पूरी लाडली को, पूरे ठाकुर जी को अपने अंदर उतार लेता है, तो ऐसा लगता है जब वो जिस गली से गुजर जाएगा, अरे मेरे ठाकुर जी आ गए, मेरा वृंदावन आ गया, मेरा, मेरी किशोरी जी की उतरन में इतना आनंद है। तो प्यारे, दोनों हाथ उठा के मिलकर मेरे साथ कहो, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। कौन कौन बरसाना आया है? अटारी को याद कर लो। आ गया बरसाना हरी, आ गया बरसाना हरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आ गया बरसाना हरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ, 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 मेरी शामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे बरसाने की चाकरी, तेरे बरसाने की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे बरसाने
बढ़िया है सबसे बड़ी। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वो मेरी लाडो तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है मेरी लाडो तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। लेकिन व्यक्ति को अपनी औकात कभी भूलनी नहीं चाहिए। एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। बड़ी प्यास लगी, बड़ी भूख लगी उसे।
शिकार करते करते दूर निकल गया। रास्ते में क्या देखा कि एक व्यक्ति घास काट रहा है। उसके पास गया, बोले भैया कुछ जलपान मिलेगा, भूख लगी है। राजा को अपने दरवाजे पर आए देखा, कहने लगा महाराज आप इतने बड़े सरकार हैं, सम्राट हैं यहाँ के, मैं आपसे क्या झूठ बोलूं, मेरे पास जल तो है और भोजन भी है लेकिन वो मेरा झूठा है। अब राजा को भूख लगी थी, प्यास सता रही थी, क्या नहीं करता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसा है दे दे मुझे। उन्होंने पाया और जाते जाते बता गए कि कभी भी तुम इससे कैसे गुजारा करते। बोले गुजारा चल रहा है हमारा, बाल बच्चे हैं घर में, यहाँ है भरा पूरा परिवार है, इसी से गुजारा चल रहा है। अगर कभी नौकरी की आवश्यकता पड़े तो सीधे मेरे पास आना। अपना पता देकर चले गए। कुछ दिन बाद उसे नौकरी की जरूरत पड़ी तो राजा के राज दरबार में गया, नौकरी मिल गई। ईमानदारी से उस नौकरी को निभाते निभाते वो राजा का कब गुप्तचर बन गया पता ही नहीं चला। लेकिन जहां वो राजा के इतने नजदीक हुआ वहां परेशानी आसपास वालों को हो जाती है कि ये कल का आया और इतनी नजदीक कैसे, हमें सारी जिंदगी लग गई राजा की गुलामी करते करते। बोले अब इसको नीचे गिराने के लिए कोई ना कोई इसकी कमजोरी तो पकड़नी पड़ेगी। अब जो द्वेष करने वाले थे उनसे मेरी प्रार्थना है, जो द्वेष करते हैं ट्रक के पीछे, सड़क पे निकलो ना यात्रा पे, ट्रकों पे लिखा होता है ना सड़ना रीस कर, अच्छा रहेगा उसी की नकल कर लो जो नजदीक है, ठिकाने पे हो सकता है आगे पहुंच जाओ कुछ। लेकिन व्यक्ति आज अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। परेशानी यार उसे ये नहीं पता, बचपन में एक खेल हुआ करता था शायद आपको याद हो, बच्चे बच्चे खेलते थे, एक छोटी सी पेंसिल से लाइन बना दी, बोले अब इसको बिना हाथ लगाए छोटा करके दिखाओ, इसको बिना हाथ लगाए बिना रबड़ से मिटाए इसे छोटा करके दिखाओ। अब बाल बुद्धि है क्या करेगी, कोशिश तो कर रही है लेकिन नहीं हो पाया, किसी ने रबड़ उठा लिया, अरे तूने पेंसिल को उस लकीर को नहीं छूना, बस कैसे छोटा कर सकता है ये देख। तो आजकल के व्यक्ति रबड़ को लेके मिटाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका तरीका क्या है, कहीं समझदार बुद्धि वाला हो ना, उसी के नीचे इतनी बड़ी लकीर खींच दी वो अपने आप छोटी हो गई बिना छुए। अपना दायरा बढ़ा लो, अपनी भक्ति बढ़ा लो, अपना प्रेम बढ़ा लो, किसी को नीचे गिराने से क्या होगा। अब उसकी कमजोरी ढूंढने लगे, कमजोरी ढूंढी, राजा तक शिकायत पहुंची। राज दरबार में राजा, राजा जिस पर आप इतना विश्वास करते हो कभी आपने उस तरफ ध्यान दिया है। बोले क्या, कभी आप उसके कुटिया में गए, कभी आप उसके कमरे में गए, क्या है उसके कमरे में जाके देखो तो सही, एक संदूक भरा पड़ा है जेवरात से, वो रोज उसे खोलता है देखता है सुबह शाम। आपको पता भी है कि आपके राज दरबार से कितना खजाना उसने उठा लिया। और दूसरी बात, जो आपके राज खजाने से उधार लेने आता है अगर वो पूछता है कि मुझे उधार कब वापिस करना है तो वो एक ही जवाब देता है कि जिस दिन राजा मर जाएगा उस दिन वापिस दे देना। आपकी पूरी जायदाद पे वो अपना हक जमा के बैठे और आप इतना भरोसा करते हो। राजा ने किसी की बात पे एक बार को तो भरोसा नहीं किया, जब सब कहने लगे ठीक है पहले मैं अपनी आंखों से देखूंगा फिर बात करूंगा। अब राजा ने गुप्त रास्ता बनवाया, उसके कमरे तक जाकर देखता है एक दो दिन, हाँ वो संदूक को खोलता है, रोज देखता है, दिन में 10 बार देखता है और उसे बंद कर देता है। अब राजा ने यह भी देखा कि कुछ लोग उधार मांगने के लिए आए तो उन्होंने यही कहा कि जब राजा मर जाएगा उस दिन लौटाना, अब पेश किया जाए उसको सजा मिलेगी अगर ऐसा कुछ है तो।
राज दरबार में पेश किया गया, कहने लगे कि ये बताओ कि पहले उस संदूक में क्या रखा है जो तुम दिन रात देखते हो, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। प्रजा को चेताने के लिए वो व्यक्ति मुस्कुरा दिया, कहने लगे सरकार आप संदूक मंगवा सकते हैं। जब मंगवाया, दोनों बातें पूछी कि ये बताओ कि तुम किसी को अगर उधार देते हो तो ये क्यों बोलते हो वापिस तब देना जब राजा मर जाएगा, यानी कि तुम दिन रात मरने की दुआ करते हो मेरी। वो फिर मुस्कुरा, कहने लगे सरकार पहले संदूक मंगवाइए। संदूक मंगवाया गया, संदूक को खोला गया तो देखा उसमें वही घास काटने वाली आरी, एक कुल्हाड़ी और एक वो बोरी जिसमें भर के जाता था। बोले ये क्या? बोले सरकार आप जितनी भी कृपा करें, इतनी नज़दीक आप ले गए मुझे अपने कि अपना गुप्तचर बनाया, लेकिन दिन रात देखता हूँ कि कहीं मैं अपनी औकात न भूल जाऊँ कि आखिर मैं ये घास काटने वाला था और यहाँ कैसे पहुँचा। और दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके मरने की दुआ करता हूँ, ऐसा नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति उधार लेके जाता है वो इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि उधार चुका सके, इसलिए वो दिन रात यही प्रार्थना करेगा कि राजा जिंदा रहे और मुझे उधार ना चुकाना पड़े, तेरी लंबी उम्र की कामना। व्यक्ति को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आज हम चार भजन गाने के बाद अगर खुद को समझ ले कि बहुत बड़े भजनानंदी हैं तो नहीं है। पास्ट देखें, अपना भूतकाल देखें, अपना पुराना समय देखें। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। आ गया सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। दूर करना ना दिल से हरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरी शामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। ओ मेरी शामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे।
बरसाने